एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां पर माफिया डॉन गुंडे थर थर कांपते हैं, बिहार में भी अभी कुछ दिनों पहले ऐसी चीज आई थी कि कहा गया था वहां पर कि हमें बुलडोजर और माफिया इन सब की जरूरत है, बुलडोजर की जरूरत है बिहार में। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार उत्तर प्रदेश हम कंपैरिजन करें, आप देखिए दोनों जगह चीजें बिल्कुल उलट है, राजनीति उलट है। देखिए प्रीति जी, जो आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में उलट है परिस्थिति, उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि चंद माफियाओं के ऊपर योगी जी जो है प्रहार करते हैं और उसको प्रचार इतना करते हैं कि लगता है कि माफिया थर थर कांप रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति इससे भिन्न है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का बेसिकली रहने वाला हूं और मैं यह जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कितनी हत्याएं होती है और कितना जो है मर्डर होता है, और NCRB का डेटा जो है वो भी यही बयान करता है। रही बात आनंद मोहन जी की रिहाई का, तो मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, आनंद मोहन जी की रिहाई, जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर डंडे चलते हैं तो आप लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, हुडिंग और बैनर के साथ सड़क 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 नजर आते हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला सर, गेस्ट तक नहीं आए हमारे यहाँ कांग्रेस से, प्रवक्ता तक नहीं आए हैं। नहीं बिल्कुल, आज देख रहे होंगे, नहीं देख ही रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, जितने लोग हमारे हमारे लोग हैं, जितने भी जो प्रवक्ताओं को भेजते हैं हमारे यहाँ, देखिए आप खुद ही देखिए ना, तो इसमें कि क्या मैसेज क्या जा रहा है पार्टी की तरफ से, क्या मैसेज आप ही बताइए ना, बताइए कहाँ आप लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या सने मायावती हैं, उन्होंने खुलकर कहा है कि अपमान है, नहीं करना चाहिए ऐसे, एक बार सरकार को सोचना चाहिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो, जेल मैनुअल में अगर चेंजेस किए हैं और उसके बाद आनंद मोहन को छोड़ा गया तो। प्रीति जी देखिए, आनंद मोहन जी जो है वो अपना 15-15.5 साल जो है जेल में काट चुके हैं, और जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है उस मैनुअल में बदलाव, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है उसके तहत जो है ये रिहाई किया गया है, तो कहीं ना कहीं सारी संवैधानिक जो है प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और किया गया है, उनको कोई स्पेशल छूट नहीं दिया गया है कि आपको छूट दे दिया जाए और आप जेल से रिहा हो जाए। कहीं ना कहीं 2012 वाली परिस्थिति बिहार की अलग थी, जहाँ पे सरकारी जो लोग होते थे उनकी रक्षा करना जो है सर्वोच्च प्राथमिकता थी, लेकिन 2023 में अभी माहौल बदल गया है पूरी तरह से, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जेल मैनुअल में वो बदलाव कर सकती है, और उन्होंने किया, और जेल मैनुअल में जब बदलाव हुआ तो उसका फायदा जो है 27 लोगों को मिला, उसमें आनंद मोहन जी ही सिर्फ थोड़ी है, उसमें 26 लोग और भी है ना। कई बड़े पत्रकार हैं जो बिहार कवर करते हैं, उनका कहना है कि बड़े ही दिमाग लगा करके 10 अप्रैल के आसपास 2023 में बहुत दिमाग लगा करके कई बड़े पत्रकार वो कहते हैं कि ऐसा किया गया ताकि सीधे सीधे जो इसका लाभ है, जो इम्पैक्ट है, वो आनंद मोहन को मिल सके। 27 लोग तो हैं, लेकिन आनंद मोहन का नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने एक डीएम की हत्या करवाई है सर, आरोप थे उनके ऊपर, मैं नहीं कह रही हूँ आरोप है, जिनकी सजा उन्होंने 14 साल बोल रहे ना काट के आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो सजा उनको मिलनी थी अब वो कितना, मतलब कानून ने उसको सजा दिया था तो सही है कि गलत है, और वो निर्दोष थे कि अपराधी थे, इस पे चर्चा नहीं करूंगा मैं।